हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक द माय न्यू वीडियो। तो आज के यह वीडियो में आपको हम बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट है, क्योंकि गाइज इस कंटेंट में आपको हम बहुत ही हेल्पफुल बातें बताने वाले हैं। इसलिए गाइज इस कंटेंट को आप मतलब इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइज अगर आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ में नहीं आएगी। इसके कारण बस इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो गाइज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, अगर आप एक न्यू क्रिएटर है, अगर आप एक न्यू चैनल क्रिएट किए हैं, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है, तो गाइज आप जिस समय वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उस समय आप वीडियो एडिटिंग करके जो अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो गाइज आपको इतना जरूर पता होगा कि आप जितने ऑफिशियल ढंग से वीडियो एडिटिंग करेंगे उतने ही जल्दी आपके चैनल पे व्यू जाएंगे, मतलब आपके वीडियो पे व्यू जाएंगे। और गाइज अगर आप ऑफिशियल वीडियो की तरह एडिटिंग नहीं करते हैं तो उससे ही वीडियो में व्यूज इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो गाइस इतना आपको जरूर पता होगा कि कोई भी यूट्यूबर है, बड़े बड़े यूट्यूबर है, सब अपने यूट्यूब वीडियो में ऑफिशियल वीडियो की तरह एडिटिंग करने के लिए उसमें सब्सक्राइब बटन, उसके बाद इंस्टाग्राम के बटन, बहुत सारी बटन जो है ऐसा है जो उसमें ऐड करते हैं फ्रेंड। तो वही सब्सक्राइब बटन किस तरह से अपने वीडियो में आपको ऐड किया जाएगा, इस वीडियो में आपको हम यही सारी बात स्टेप बाय बताने वाले हैं जो किस तरह से आप अपने वीडियो में सब्सक्राइब बटन ऐड कर पाएंगे। क्योंकि गाइस अगर आप अपने वीडियो में सब्सक्राइब बटन ऐड करते हैं तो फ्रेंड उससे आपकी वीडियो ऑफिशियल वीडियो की तरह ही दिखने में लगने लगता है। इसलिए गाइस इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे फ्रेंड इस चैनल पर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। क्योंकि गाइस इस चैनल पर इस तरह की हेल्पफुल कंटेंट हमेशा आती रहती है और आती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज, आप देख रहे हैं राजी ऑफिशियल ट्रिक्स चैनल। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करके जरूर रख ले, क्योंकि गाइस इस चैनल पर हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आती रहती है। तो गाइस बिना टाइम लिए बढ़ते हैं वीडियो को। और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से क्रोम ब्राउजर सबसे पहले ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है pixabay.com और फ्रेंड यहाँ से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड सबसे फर्स्ट में हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड हम सेलेक्ट कर लेंगे हमें इमेज डाउनलोड करना है या वीडियो डाउनलोड करना है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड नीचे में वीडियोज है, यहाँ पे इस वीडियोज पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे ग्रीन स्क्रीन वीडियोज। देखिए फ्रेंड ग्रीन स्क्रीन दे दिया और यहाँ से हम सर्च कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड सब आ चुका है ग्रीन स्क्रीन, यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा ऐसे करके। और फ्रेंड अगर कुछ सर्च मारना हो आपको तो फिर से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ग्रीन स्क्रीन है ना फ्रेंड, तो यहाँ से हम टैप कर देंगे सब्सक्राइब बटन। और फिर यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड सब तरह का यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आ गया है, तो इस तरह से आपको भी सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। मान के चलिए फ्रेंड यहाँ से भी आपको हम एक ओपन करके दिखा दे रहे हैं जो किस तरह से इसे डाउनलोड किया जाएगा। यहाँ से मान के चलिए फ्रेंड हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमारा ग्रीन स्क्रीन आ चुका है, इसे आपको हम प्ले करके दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड देख लिए इसको जो है इस तरह से आपको यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड फ्री डाउनलोड है लिखा हुआ, यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कितने केबी को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ऑटोमेटिक जो है सबसे ज्यादा केबी का यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड ओपन करेंगे हम। यहाँ देखिए फ्रेंड हमारा वीडियो डाउनलोड होके यहाँ पे आ गया है।
तो देख लिए फ्रेंड, इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब फ्रेंड यहाँ से हम चलते हैं कैनमास्टर एप्लीकेशन पर, क्योंकि वहाँ से ही आप अपने वीडियो में सब्सक्राइब बटन ऐड कर सकते हैं एडिटिंग करते वक्त ही। यहाँ से हम चलेंगे कैनमास्टर एप्लीकेशन पर। यहाँ देख फ्रेंड हम कैनमास्टर एप्लीकेशन पर आ गए हैं। कैनमास्टर एप्लीकेशन पर आने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको एक प्लस आइकन दिखता होगा साइड में, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 69 वाला एरेस जो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ्रेंड आपका गैलरी खुल के आ जाएगी, और फ्रेंड यहाँ से आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो में आप अपना सब्सक्राइब बटन लगाना चाहते हैं। मान के चलिए फ्रेंड हम कोई एक वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलिए फ्रेंड हम ये वीडियो सेलेक्ट कर लिए हैं हम अपना। फ्रेंड हम सेलेक्ट कर लिए हैं, अब इस वीडियो में आपको हम सब्सक्राइब बटन लगा के दिखा दे रहे हैं। सब्सक्राइब बटन मान के चलिए फ्रेंड हमको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगाने के लिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए लेयर पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड मीडिया का ऑप्शन बना हुआ है, इस मीडिया पर हम क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड फिर इससे आपका गैलरी खुल के आ जाएगी, और आप फ्रेंड यहाँ से जहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं वीडियो सब्सक्राइब बटन वाली, वो वीडियो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमारा वीडियो जो डाउनलोड किए थे यहाँ आ गया है। यहाँ देखिए फ्रेंड इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड हमारा ग्रीन स्क्रीन आ गया है। अब फ्रेंड यहीं पे आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना होगा। काम करने के लिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इस क्रोमा की पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से फ्रेंड इसको अनेबल कर देना है। यहाँ देखिए फ्रेंड अनेबल हम कर दिए हैं, और देखिए फ्रेंड हमारा ये सब्सक्राइब बटन यहाँ पर आ गया है। अब फ्रेंड यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब फ्रेंड देखिए आपको वीडियो हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आ जाएगी। तो फ्रेंड देख लिए किस तरह सब्सक्राइब बटन ऐड किया जाएगा। तो फ्रेंड और फ्रेंड इसे कुछ इस प्रकार से साइज ऐसे बड़ा कर लेंगे और इसे नीचे में कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड हम सेट कर लिए, तो आपको भी अपने वीडियो में सब्सक्राइब बटन को ऐड कर लेना है। और फ्रेंड सब्सक्राइब बटन की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लेंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहां से आप कुछ नहीं करना है, बस यहां पर देखिए आपको शेयर वाली एक आइकन दिखेगा, इस शेयर वाली आइकन पर हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर देखिए फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इसे हम यहां पर सेट कर लेंगे, और इस यहां पर देखिए फ्रेंड आपको फ्रेम रेट जो है से 30 रख लेना है। उसके बाद इसको जो है कुछ इस प्रकार से हाई कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सपोर्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो किस तरह से आप अपने वीडियो में सब्सक्राइब बटन बहुत ही आसान तरीका से फॉलो करके लगाया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और फ्रेंड इस वीडियो से जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो उससे फ्रेंड आपका भाई काफी मोटिवेट होता है, और जिससे फ्रेंड इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और इस तरह का ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो गाइस इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले। और गाइस अगर आपको इस वीडियो में किसी भी पार्ट में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजिंग है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके।